आज फिर आपको सिंटेक्स का अगला रूल बताएंगे। ऐसे पहले दो वीडियो में आपको सिंटेक्स के बारे में और सिंटेक्स का रूल स्टार्ट किए थे। सिंटेक्स का पहला रूल आपको बताया थे, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लुरल होता है। आज आपको फिर से सिंटेक्स का अगला रूल बता दें। ऐसा लोग सिंटेक्स पढ़ रहे थे और सिंटेक्स में पहला रूल आपको बताए थे, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लुरल होता है। आज आप रूल नंबर टू लिखेंगे। रूल नंबर टू आपका होगा, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लुरल होता है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लुरल होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अ सिंगर एंड अ डांसर। डैस कमिंग हियर। ऑप्शन दिया इज और आर, ऑप्शन इज और आर। हम बोले यदि दो सिंगुलर नाउन या सिंगर आपका सिंगुलर नाउन है और डांसर आपका सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों नाउन के पहले, डांसर के पहले और सिंगर के पहले, दोनों नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया। आर्टिकल क्या होता है, या तो ए या एन या दी, ए एन द, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। करें कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लुरल होता है। क्या होता है, प्लुरल। कि प्लुरल का कारण यह है कि यहां एक सिंगर अलग है और यहां डांसर अलग है, अर्थात गाने वाला अलग है और नाचने वाला अलग है। इसलिए जब अलग अलग हो गए तो एक सिंगर और एक डांसर, एक और एक कितना हो गया, दो। जब दो हो गया तो क्या बोलेंगे, वर्ब क्या हो जाता है, वर्ब होता है प्लुरल। प्लुरल का मतलब एक से ज्यादा। ऑप्शन दिया इज और आर, तो इज आपका क्या होता है, इज अपने आप में सिंगुलर है तो प्लुरल हमको चाहिए तो क्या होगा, आर। यहां भर दिया आर। ध्यान से इस बात को, बोले दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, सिंगर और डांसर एंड से जुड़ा है और दोनों नाउन के पहले, सिंगर के पहले और डांसर के पहले, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, यह आपका प्लुरल वर्ब है। कौन सा वर्ब, प्लुरल वर्ब। क्योंकि ए सिंगर एंड अ डांसर आर कमिंग हियर, एक गायक और एक नर्तकी यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं। बट यदि हम आपको एक और एग्जांपल दें, अ सिंगर एंड डांसर डैश कमिंग हियर, कमिंग हियर। एक ऑप्शन दिया हम आपको, अ सिंगर एंड अ डांसर डैश कमिंग हियर, और आपको दो ऑप्शन दे दिए, एक दे दिए इज और दूसरा आर। अब देखिए आपको भरेंगे क्या, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है और केवल प्रथम नाउन के पहले ए एन द अर्थात आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। पर सिंगुलर क्यों होता है, देखिए सिंगुलर होने का कारण क्या है कि यहां एक ही व्यक्ति के पास दो क्वालिटी है, एक व्यक्ति के पास दो क्वालिटी, एक जो व्यक्ति सिंगर है वही व्यक्ति डांसर है, जो व्यक्ति सिंगर जो गाना गाने वाला है वही व्यक्ति नाचने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब केवल प्रथम नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब दोनों मिलकर क्या जी, एक ही व्यक्ति, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। एक का मतलब सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब यहां क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल में क्या है, सिंगर के पहले ए और डांसर के पहले भी ए, क्योंकि दोनों नाम के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया इसलिए आने वाला वर्ब यहाँ प्लुरल। लेकिन यहाँ केवल प्रथम नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है इसलिए आने वाला वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये आपको पहले रूल बताते हैं। आगे देखते हैं अगला रूल।
देखते हैं रूल नंबर थ्री। यदि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा हो, दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले इच, एवरी या नो का प्रयोग किया गया, तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिमिलर होता है। बोले फिर से, यदि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले या तो इच या तो एवरी या नो का प्रयोग किया गया हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? आने वाला वर्ब सिमिलर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम बोले इच बॉय एंड इच गर्ल डैश गोइंग देयर, गोइंग देयर, और ऑप्शन दे दें वाज या वर। ऑप्शन क्या दिए? वाज या वर। करेक्ट, इच बॉय एंड इच गर्ल डैश गोइंग देयर। बोले यदि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा हो, गर्ल्स आपका सिमिलर नाउन, बॉय आपका सिमिलर नाउन, दो सिमिलर नाउन, गर्ल आपका सिमिलर नाउन, बॉय सिमिलर नाउन, दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों नाउन के पहले या तो इच या तो इवरी या नो या तीनों में से कोई एक का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद आने वाला जो भार होगा वह होता है सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। करके प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की डैश वहां जा रहे थी, वहां जा रही थी। करीब प्रत्येक का बात हो रहा है या तो एक एक का बात हो रहा है, सभी का बात नहीं हो रहा है। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वहां जा रही थी। तो करें कि यदि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों नाउन के पहले इच या नो का प्रयोग किया गया है, तो आने वाला वर्ब क्या होता है? आने वाला वर्ब सिमिलर होता है। जैसे बोले कि वाज या वर, तो होगा वर्ब आपका सिमिलर वाज। क्या भरेंगे आप पर? वाज भरेंगे या सेंटेंस आपका सिमिलर। अब यदि हम आपसे पूछे इच बॉय एंड इच गर्ल वाज गोइंग देयर, या कौन सा टेंस में दिया गया है, या कौन सा टेंस में है, तो आपका जवाब होगा या दिया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बोले कैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होता है? आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस डिफॉल्ट। तो कह रहे कि पूरा सब्जेक्ट है, वाज वर्ब दिया है, उसके बाद डिफॉल्ट दिया है, आपका एडवर्ब दिया है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर या होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे देखते हैं, अब देखिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं। हम लिखे अ बॉय एंड गर्ल डैश डॉन दिस वर्क, डॉन दिस वर्क। ऑप्शन दे दिया यहां पर हैव और हैज। ऑप्शन क्या दिया यहां पर? हैव और हैज। हम बोले कि अ बॉय एंड गर्ल डैश डॉन दिस वर्क, ऑप्शन हैव और हैज। और देखिए आप दिमाग कैसे लगाते हैं, दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन, गर्ल सिंगुलर नाउन, बॉय सिंगुलर नाउन, और केवल प्रथम नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो सिंटेक्स में सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा हो और केवल प्रथम नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है? सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर। यही यहां पर देखिए वही कंडीशन है, दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा है, गर्ल एंड बॉय सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा है, केवल प्रथम नाउन के पहले या जो आपका बॉय है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो आपका वर्ब है यह प्लुरल होगा, प्लुरल होगा। कारण यह है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है, केवल प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यहां तक सही। बट यह जो दोनों नाउन है अलग अलग लिंग का है और इसका जेंडर अलग अलग है। क्या इसका? इसका जेंडर अलग अलग है। जब जेंडर अलग अलग है तो क्या होगा? इस अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, अर्थात बॉय और गर्ल्स कभी एक नहीं हो सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति बॉय है, जो बॉय है वह गर्ल नहीं हो सकता है, या बॉय अलग है गर्ल अलग है। इसलिए क्या होगा? एक आपका बॉय और एक गर्ल भले ही दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है और प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है,
लेकिन यहाँ पर आने वाला वर्ब प्लुरल होगा। प्लुरल होगा क्यों? क्योंकि यहाँ गर्ब वाय अलग है और गर्ब अलग है, तो एक आपका वाय प्लस एक आपका गर्ब, एक एक कितना हो गया दो, दो का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब आने वाला वर्ब प्लुरल। तो कह रहे हैव या हैड, हम बोल दिए हैव, क्या होगा हैव होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़ा है और प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल किया गया, सही है, आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, बट यदि जेंडर अलग अलग हो तो आने वाला वर्ब प्लुरल होगा। जेंडर अलग अलग हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। अब हम क्या करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए अब वाई एंड गर्ल है डॉन दिस वर्ब, यह किस टेंस में दिया गया है? आप कमेंट में जरूर बताइए अब वाई एंड गर्ल है डॉन दिस वर्ब या कौन से टेंस में दिया गया है और उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।